Hi everyone and welcome back to my channel Saints Nest. मैं रूबी सेन आज मैं आपको लेके चल रही हूँ शांति स्तूप राजगीर. राजगीर ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस ब्लॉग्स देन प्लीज चेक इट आउट. उसी के कंटिन्यूएशन में ये थर्ड ब्लॉग है राजगीर का. वीरायतन कृपा निधि से निकलने के बाद राइट साइड में ये पार्क है. पूरी लंबी रास्ते में ये पार्क है. यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं और विंटर्स में तो लोग यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं. और हम लोग आ गए सांची स्तूप. दो गाड़ियों में बैठ के हम लोग आ रहे हैं. लेडीज एक गाड़ी में और जेंट्स एक गाड़ी में. अगर सब साथ में मिलके कहीं जाते हैं तो उसका मजा ही दुगना हो जाता है. और हम लोग पहुंच गए सांची स्तूप. सांची स्तूप में आप पैदल भी ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे केबिन राइड है, गोंडोला राइड या रोप वे आप कह सकते हैं, तो जिसका टिकट लेना पड़ता है. और एंटर करते ही आपको बहुत सारे छोटे मोटे शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के. और यहाँ पे देखिए कोकोनट को लेते हुए हम लोग आगे बढ़े. और ये है टिकट काउंटर की लाइन. यहाँ पे 80 रुपीज़ पर हेड टिकट लगती है. और यहाँ पे एक भैया चना बना रहे हैं, चना मसाला. और झालमुड़ी लेके भी बैठे हैं एक भैया. और तो मैं झालमुड़ी के पास चली गई, वहाँ झालमुड़ी बनाने लगी क्योंकि झालमुड़ी तो मेरा फेवरेट है. नींबू मिर्ची और मसाला डाल के झालमुड़ी बनाया भैया ने, बहुत ही टेस्टी झालमुड़ी. और साथ में लेमन वाटर एंड पॉपकॉर्न और क्या चाहिए. सभी बैठ के हम लोग पीने लगे और खाने लगे. उसके बाद फिर हम लोग गए गोंडोला राइड पे. विंटर्स का समय है और इसलिए काफी लोग आए हैं इसे देखने के लिए, सांची स्तूप और गोंडोला राइड करने के लिए, केबिन राइड करने के लिए. और इसलिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं. हम लोग सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं और लाइन लगी हुई है. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल केबल राइड भी है. अगर आप चाहें तो सिंगल राइड भी कर सकते हैं, नहीं तो केबिन राइड है आपके लिए जो कि सेफ, मच सेफर देन सिंगल राइड. और हमारा टर्न भी आ गया और हम केबिन में बैठ गए. आप देख सकते हैं कि नीचे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है केबिन राइड के लिए. दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं केबिन राइड करने के लिए और ब्यूटीफुल सांची स्तूप को देखने के लिए. चारों तरफ का नजारा बहुत ही अद्भुत है, माइंड ब्लोइंग है, मेस्मराइजिंग है, बहुत ही अच्छा लगा देख के. 10 से 15 मिनट में आप ऊपर पहुंच जाते हैं सांची स्तूप के पास. बिहार राज्य विकास निगम द्वारा संचालित 2200 फुट लंबे इस रोपवे की को फूजी गुरुजी ने भारत जापान मित्रता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था. रोपवे पर यात्रा करने से शहर और शांति स्तूप का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. रोपवे का यात्रा खत्म होने के बाद दोनों तरफ ऐसी दुकानें लगी हुई है जहाँ पे आपको तरह तरह के सामान मिल जाएंगे, शोपीसेस से लेके, बैंगल्स से लेके, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेके तरह तरह के सामान यहाँ सेल हो रहे हैं. पर यहाँ थोड़ा बच के रहिएगा, काफी बंदर है यहाँ पे, आपका पर्स लेके भाग सकता है. तरह तरह के जड़ी बूटियाँ लेके भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं और सभी बीमारियों को दूर करने के लिए इनके पास उपाय है. 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित विश्व शांति स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा शांति शिवालय है और इसे शांति और सदाओ का प्रतीक माना जाता है. इसकी परिकल्पना प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निपोंजन मोहोजो द्वारा की गई है और जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी द्वारा वर्ष 1969 में इसका निर्माण किया गया था. पूरी तरह से मार्बल से निर्मित इस स्तूप में भगवान बुद्ध की 4 गोल्ड प्रतिमाएं शामिल है जिसमें से प्रत्येक उनकी जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु के जीवन काल का प्रतिनिधित्व करती है.
इसके अलावा इस स्तूप के पास एक मंदिर भी स्थित है जिसे निपोंजन मोहोजी कहा जाता है। विश्व शांति स्तूप का जो गुंब है, डोम है, वो 72 फीट ऊंचा है और इसका व्यास 142 फीट है। इस तरह के विश्व शांति स्तूप कई जगह बने हुए हैं। कई बार पास जाकर देखने पर कंफ्यूजन होता है कि हम उसी जगह है या नहीं। असल में राजगीर की तरह ही वैशाली, पटना, गया, सारनाथ, दिल्ली और नेपाल की लुम्बिनी में भी इसी तरह का स्तूप बना हुआ है। इसका शिलान्यास राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1965 में किया था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1969 में किया। विश्व शांति स्तूप के चारों तरफ बने प्रदक्षिणा पथ से आप राजगीर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। चारों ओर बिखरी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपको यहाँ कुछ और देर तक रुकने के लिए मजबूर कर देगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऑन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।